अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक रहिए। सोचे आज हम मौजूद हैं सदर की कैमरा मार्केट में और यहाँ के कुछ हम रेट्स को हर लेंगे और देख लेते हैं कौन से कैमरे से वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आइए देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? अपना नाम बता दीजिए सर। साहब हमें कुछ कैमरा बताइएगा, कुछ प्रोफेशनल जो भी कैमरा अवेलेबल है। जो नॉर्मल जो भी कैनन में भी मिल जाएगा, ठीक है, आपको दिखाइए सर। एज ए प्रोफेशनल यूजर, प्रोफेशनल वीलॉगिंग वगैरह के लिए, वीलॉगिंग के लिए फिलहाल दिखा रहे हैं और जो मैरिजेस वगैरह के लिए, वीलॉगिंग के लिए है। ये 700D 18-55 लेंस है, गुड कंडीशन, 9-10 कंडीशन है, मतलब हाँ यूज है, नया डब्बा पे काफ़ी महंगा, ठीक है, सही ना, गुड कंडीशन है। 10x10 नहीं कह सकते हम, 9-10 कहते हैं। 9-10 कंडीशन का है ये, आपको बिल्कुल फाइनल पड़ेगा 45,000 का, 45,000 का, ठीक है। ये जब नया बंद हुआ है तकरीबन 65,000 पे बंद हो गया, ठीक है। कैनन का, ये कैनन का है, 700D है, रोटेड LCD है इसकी, 18 मेगापिक्सल कैमरा है इसका, समझे ना। एक्स्ट्रा माइक वगैरह भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है, सही ना। फ्लैश वगैरह लगाने चाहें फ्लैश वगैरह लगा सकते हैं। कंटिन्यू शॉट है इसके तकरीबन 550-600 शॉट्स हैं, एक से 1.5 घंटे तक की वीडियो में। कौन है डी 3200? ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसी कंडीशन होगी वैसे पैसे होंगे इसके। ये न्यू ब्रांड न्यू नहीं आते, मतलब यूज है, हाँ यूज होते हैं, सही है ना। ये डी 3200 है, ये बिल्कुल फाइनल आपको पड़ेगा 32,000 कंडीशन, अगर हाँ, ठीक है। इसमें भी वीडियो, अच्छा, मेमोरी कार्ड की भी बताइए क्या कैपेसिटी है, कितनी बिल्ट इन की मेमोरी है। तकरीबन 256 तक का सपोर्टेड है, 256 GB के अंदर बिल्ट इन मेमोरी कार्ड नहीं होता, अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर अपनी मेमोरी कोई नहीं, कोई भी 256 GB हम इसको कर सकते हैं। वैसे तो हम नॉर्मल जो वीडियो मेकिंग वाले हैं तकरीबन 64 GB लेते हैं या 32 GB, तो ये 32,000 का फाइनल होगा। हाँ, 100 MB भी डिस्काउंट है, मतलब जैसी कंडीशन होगी, जैसे मेरे पास अभी है 3400 है, 3400 है, 3400 है इसकी कंडीशन, ठीक है। वैसे तो ये नया तकरीबन बंद हो गया, ओके, 55 पे बंद हो गया है। इस कंडीशन में ये आपको 35 तक का पड़ेगा, अगर इसकी गुड कंडीशन होती तो 42,000 तक का होता है। पिक्सल वगैरह इसका अच्छा, हाँ, 24 मेगापिक्सल कैमरा है, 24 मेगापिक्सल कैमरा है, 24 मेगापिक्सल है, समझे ना। ISO स्ट्रॉन्ग है इसका, वही उन्हें हाँ, ठीक है। वीडियो मेकिंग 1 घंटा समझिए, और है ना तस्वीरें आप 550-600 तस्वीरें आराम से। अच्छा, इसके एक्स्ट्रा बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, ये तकरीबन 2.5 से 3 साल आराम से चल रहा है। अगर प्रोफेशनल भी होता है ना, जैसे क्या है, जैसे हम लॉन्ग वीडियो बना रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए फिर एक बैटरी, एक एक्स्ट्रा बैटरी खरीद कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसी तरह से लेंस के बारे में बता दें, हाँ, लेंस में आपको ये 1200D है, ये 1200D है, समझे ना, ये कैनन का है 1200D, समझे। 18 मेगापिक्सल कैमरा है, HD फुल HD वीडियो है इसके अंदर, समझे ना। ये आपको पड़ेगा 25,000 प्रोफेशनल यूज नहीं कर सकते, क्यों कि आपको है ना माइक वगैरह की जरूरत पड़ेगी, ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं नहीं, फिर उसके लिए किसी कैमरे के अंदर भी हम अटैच नहीं कर सकते, वो फिर लेटेस्ट वर्जन में आ रहा है, जैसे 4000 आ रहा है, 750D आ रहा है, इसमें है ब्लूटूथ वगैरह, वाईफाई का ऑप्शन है, ओके, बहुत ही है सर, सही है। इसी तरह आपको ये है 6D बॉडी है, बिल्कुल 10x10 कंडीशन की बॉडी है, बिल्कुल 10x10 कंडीशन की बॉडी है, ये आपको पड़ेगी 50 तक की, ये कमर्शियल बॉडी, ये प्रॉप बॉडी होती है, इसमें आप बड़े से बड़ा लेंस लगा सकते हैं, एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हैं आप, अच्छा इसमें कर सकते हैं, हाँ 50 मतलब की बॉडी पड़ेगी, फिर लेंस से 18-55 लगाना है, 18-55 लगा लें, 50mm लगाना है, 50mm लगा लें, जैसे ये है ना, ये 50mm है लेंस, ये ज़्यादातर पोर्ट्रेट बनाने के लिए या वीडियो मेकिंग के लिए आते हैं, ये अलग से लेंस लेना पड़ेगा, अलग से लेना पड़ेगा। क्या प्राइस है ये? आपको यूज में 7000 का है, अच्छा, और न्यू तो इस वक्त 10500 का है, अच्छा ठीक है। इसी तरह ये ही ये 7500 लेंस है, ये भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं आप, इसके साथ अटैच कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, सब इसके स्पेसिफिक न्यू आ रहा है, कर सकते हैं ये, सब के साथ अटैच कर सकते हैं, नहीं निकोन के अलग लेंस है, अच्छा निकोन और कैनन के अलग,
ये है कैनन का लेंस, सही है 75-300 लेंस है ये, 75-300 लेंस, सही है ना। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी न्यू तो 20,000 का है और ये यूज में 12,000 का है, 12 हाँ 12,000 का, 12,000 ओके ठीक सही। एक इसी के कमर्शियल लेंस आ रहा है ये वाला, ये कैनन का है, एमएच स्टेबलाइजर वाला लेंस है, हाँ ये 45,000 का है, ठीक कैनन का 45,000 का, 45,000 का है लेंस, ज़ूम अच्छा होगा, ज़ूम भी बहुत है ये, मतलब फुल फ्रेम बॉडी के लिए भी है, नॉर्मल बॉडी के लिए भी है, सब बॉडियों के लिए, सही उसकी रेंज बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी चीज़ है हाथ को एमएच को है ना कंट्रोल, ठीक है मूवमेंट अच्छी है, सही बहुत ही। इसी तरह आपको मतलब है ना उसमें ये आ गया, ये मिड कंडीशन देखिए, ये होते ना ये है ना, ये 600 है, ये न्यू नहीं आते यहाँ, हाँ यूज्ड होते, स्लाइटली यूज्ड होते, ये पड़ता है 38,000 का, ठीक है। इसी तरह 700 बिल्कुल कोई लो प्राइसेस वगैरह में भी है जो लो प्राइसेस है, मतलब ये कि ये वो है ना ये वाले हैं जो इसमें वीडियो मेकिंग नहीं होती, हम स्टिल यूज कर सकते, स्टिल यूज कर सकते स्टिल में, तो फिर ये है, ये तो आपने देख लिया 700D वगैरह सारे हैं, ठीक है ना, इस तरह के मॉडल्स हैं इसके अंदर। अच्छा जी, आपको प्रोफेशनल कोई ऐसा मुनासिब रेट में कुछ आपके पास भी? प्रोफेशनल में देखिए मुनासिब रेट में तो तकरीबन आपको अगर कमर्शियल बेसिक भी चलाना है तो 700D चलाएंगे या 600D चलाएंगे। अच्छा 7+ होनी चाहिए, हाँ क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा माइक वगैरह की वीलॉगिंग वगैरह करने के लिए या प्रेस मीडिया के लिए, मीडिया वगैरह के लिए तो आप एक्स्ट्रा माइक वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। अच्छा मतलब सिर्फ कॉर्डलेस लगा सकते, कॉर्डलेस माइक लगा सकते हैं, अब मुझे ज़ाहिर बात है ज़रूरत है, वहाँ मैं जा नहीं सकता, कॉर्डलेस माइक है, मैं वहाँ उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ और यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, तो कॉर्डलेस हम यूज़ कर सकते हैं इनके पास, ठीक है। और कुछ इसी तरह कैमराज में तो बहुत सारी वरायटी और जो वरायटी है और जो मैं आपको बता रहा था कम से कम प्राइस में, कम से कम प्राइस में ही है लोगों के लिए जो यूज़, नहीं 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 नॉर्मल जो 30D वगैरह है ये तकरीबन 18 तक का है, सिर्फ आप स्टिल फोटोग्राफी कर सकते हैं। नहीं जैसे कि मैं प्रोफेशनलिज्म में जैसे लॉगिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ, नहीं वी लॉगिंग के लिए तो फिर आप कमर्शियल कैमरे यूज़ करने पड़ेंगे, 700-600 ये यूज ही कर सकते हैं, कर सकते हैं 600-700 यूज़ कर सकते हैं, 600 यूज़ कर सकते हैं, 700 यूज़ कर सकते हैं, 550 यूज़ कर सकते हैं, हाँ। और अगर फुल फ्रेम बॉडी चाहिए तो फुल फ्रेम बॉडी भी आ जाती है, फुल फ्रेम बॉडी में ये होता है ना कि आप कमर्शियल बेसिक पे नहीं वीडियो मेकिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह जैसे क्या प्राइस बताए सर, ये 18 तक का है, 18,000 का, खाली हम स्टिल यूज़ करेंगे फोटोग्राफिंग के लिए, अगर हम वीडियो भी यूज़, हाँ लेंस सारे ये सपोर्टेड है, सपोर्टेड 18-55 से 50mm से लेकर तकरीबन 70-200 तक का लेंस सपोर्टेड है, 30D हाँ 30D है, इसमें वीडियो नहीं होती। अच्छा ओनली मतलब बॉडी अच्छी है, जानदार बॉडी है, मुनासिब है, बेहतरीन, ओके हाँ। अगर जैसे कंडीशन है अभी मेरे पास है इसके थोड़ा सा वीक कंडीशन में है तो वो मैं 15 तक का ले रहा हूँ, यूज़ में ही है ना कंडीशन भी चलता है, बहुत ही सर। और आप जो कहना चाह रहे थे कि कैमरों के हवाले से अगर चल रहा है तो ये है कैमरे, अब ये है ये वाला कैमरा है, समझे ना, ये कैमरा है, ये 12,000 का है। अच्छा हाँ ये स्टिल फोटोग्राफी है, ये भी स्टिल है, हाँ LCD हाँ है तो फ्रेश। इसी तरह अच्छा ये मतलब फाइनल कितने होगा, 12,000 का। अच्छा ये स्टिल यूज़ करेंगे, हाँ अब ये है, ये तो छोटे कैमरे थे, ये मतलब जिसमें वीडियो मेकिंग नहीं हो सकती, अब आपको चाहिए वीडियो मेकिंग के लिए, वीडियो मेकिंग के लिए सेमी प्रोफेशनल कैमरे ये होते हैं, इसमें लेंस चेंज नहीं होते, इसमें लेंस चेंज मतलब नहीं होते, बिल्टन ही बिल्टन है, 24x ऑप्टिकल जूम है और 14 MP कैमरा है इसके अंदर, ठीक है सही है ना, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं, सेमी प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं, फुल प्रोफेशनल यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा ये क्या प्राइस है, ये आपको पड़ेगा 14,000 का, 14,000 का।
अच्छा सर, मैं उसके जो एक्स्ट्रा लेंस अब यूज़ नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा लेंस यूज़ नहीं कर सकते। ये है 36x ऑप्टिकल जूम, ये भी है फ्यूजी का, सही है? हाँ, इसकी LCD बड़ी है, फुल HD वीडियो है, ये इसमें HD आती है, इसमें फुल HD आती है, सही? अच्छा, इसे क्या प्राइस है? ये वाला 18,000। तो ये भी प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं? कितना सपोर्टेड है मेमोरी कार्ड इसका? वही आपका है ना, 164 GB तक का सपोर्टेड है ओनली, ठीक है सर। और अच्छा, कुछ माइक वगैरह भी दिखाएँ जो आपने सब दिखा दिए, अच्छी वराइटी आपके पास है? ये माइक की तरफ चलते हैं। ये अच्छा, ये सिंगल माइक है? सिंगल माइक है, ठीक है। इसे क्या प्राइस है? ये आपको 1500 का पड़ेगा, ठीक है, 1500। हाँ, ये है, ये 2000 का है, ये निकालना। बोया ठीक है, असेंबल तो चाइना से ही हो रहा है, ठीक है। ये है, वैसे इसके प्राइस है 6500। ओके, ये स्लाइटली यूज में है, ये 5000 का पड़ेगा आपको। अच्छा, मतलब डिस्काउंट 1000 का, 5000 का हो जाएगा। क्यों अच्छा, न्यू है? ओपन कोई है पीस वगैरह ताकि हम ये कुछ हो जाए, ओपन हो जाए। ओके, धावा है, सही ना? हाइक विजन है, धावा है, सही। ये लोगो है हमारा, उसके बाद ये हैंडीकैम, ये भी दिखा दीजिए, ये कौन से हैंडीकैम से आपके पास छोटे वाले पड़े हैं? ये है सोनी है, ये यूज में आते हैं, ये नए नहीं आते। हाँ, जी, ये JVC है, JVC है, सही है। ये वाईफाई कैमराज हैं, ठीक है, सारे वाईफाई कैमराज। अच्छा, इनकी प्राइसेस भी बता दिया सर, ये कौन से सोनी का? आपको पड़ेगा 14,000 रुपये का। अच्छा, ये प्रोफेशनल यूज़ कर सकते हैं? नहीं, प्रोफेशनल यूज़र नहीं है, ये नॉर्मल घर नॉर्मल होम यूज़ के लिए सही है ये, वरना प्रोफेशनल यूज़र ये है। वो तो सोने में तो कोई यूज़ हो जाए, उससे क्या प्राइस है बड़े अगर प्रोफेशनल देखा जाए तो? वो C2500। ये तो अच्छा, ये माइक है तो हम इसको मोबाइल वगैरह के साथ सब मोबाइल के साथ भी अटैच कर सकते हैं, कैमरा वगैरह के सब के साथ। वैसे तो ये अमूमन DSLR वगैरह कैमरे मिरर लेंस कैमरों के साथ अटैच होता है। ओरिजिनल बोया? बोया ओरिजिनल। तो मतलब कैमरे के साथ यूज़ कर सकते हैं इसको, है ना? हाँ, कैमरे के साथ यूज़ भी कर सकते हैं। कुलिप वगैरह होता है इसके? ये सिंपल इसके अपने ये बस नहीं, ये असल चीज़ है कि ज़्यादातर है ना, ये सिस्टम है कैमरों पे लगता है, जो कैमरे पे ही है ना ये सिस्टम। जी मैं ऊपर समझ इसके ऊपर लग जाता है और इससे अटैच हो जाता है। अगर मोबाइल पर बहुत लोग कम यूज़ करते हैं। अच्छा, एज ए प्रोफेशनल यूज़र व्लॉगिंग वगैरह के लिए कैमरे ही? हाँ, इसके लिए कैमरों के लिए। ओके, ठीक है। इसे क्या प्राइस बता देगा? 2000? नहीं, ये इसके ऐसे सीरीज वगैरह हैं सारी चीज़ें, सही। और ये हम लोगों का जो सेटअप है, ये सेटअप जिसमें नाइकोन का भी है, नाइकोन भी है, कैनन भी है, बाइनोकलर्स वगैरह भी है, मल्टी आइटम रखे हुए। मतलब ये नहीं कि हमने एक जगह पे फील्ड को लॉक कर दिया, मल्टी आइटम रखे हुए हैं हमने। तो बीस क्या प्राइस है? मुख्तलिफ प्राइस है, ये है 5200 की है, ये 6500 की है, ये बाइनोकलर जूम वाली है। अच्छा, जूम वाली। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इसाक है, ये हकीम सेंटर है, हाशमी और हकीम सेंटर दोनों मंच, सही है। शॉप नंबर है हमारी 15 कैमरा सिटी, और मेरा नाम है इसाक, मोबाइल नंबर है 03142362894। मिलते हैं।